तक का सबसे बड़ा खुलासा, मौत से पहले क्या क्या हुआ सीबीआई ने चार्जशीट में बता दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। गोवा में भाजपा नेता सोनाली फोगाट हत्याकांड प्रकरण में अदालत में सीबीआई द्वारा पेश की गई चार्जशीट में कई खुलासे हुए हैं। 23 अगस्त को सुखविंदर की महिला मित्र का जन्मदिन था। कमरे में पहुंचने के बाद सुखविंदर ने होटल के दत्ता प्रसाद से नशीला पदार्थ मंगवाया था। ड्रग से पहले सुखविंदर ने अपने बैग से गांजे से भरी सिगरेट निकाली। इसके बाद सोनाली, सुधीर, सुखविंदर और उनकी दोनों महिला मित्रों ने सिगरेट पी और डांस किया। सोनाली को 7 बार ड्रग्स पिलाई गई। तबियत बिगड़ने पर सोनाली को बाथरूम में ले जाया गया था, जो सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है। चार्जशीट में बताया गया कि सोनाली को बाथरूम में ले जाने के बाद सुधीर सांगवान 21 बार और सुखविंदर 6 बार बाथरूम गया था। हालांकि सीबीआई की चार्जशीट में हत्या का क्या मकसद था इस बारे में नहीं बताया गया है। ये लिखा हुआ है कि नशे के कारण सोनाली की मौत हुई है। सीबीआई की चार्जशीट में बताया गया कि सुखविंदर ने पूछताछ में बताया कि 22 अगस्त को 3:30 बजे गोवा पहुंचे थे। रिजॉर्ट में 3 कमरे बुक करवाए थे, एक कमरा सुधीर व सोनाली और तीसरा कमरा महिला मित्र के लिए बुक करवाया था। सुखविंदर को पहले से पता था कि उसकी महिला मित्र अपनी सहेली के साथ गोवा आ रही है, क्योंकि 23 अगस्त को महिला मित्र का जन्मदिन था। सुखविंदर ने सीबीआई की पूछताछ में बताया कि कुछ समय पहले गुरुग्राम के एक पब में महिला से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों की फोन और इंस्टाग्राम पर बातचीत होती थी। महिला दोस्त ने बताया कि 23 अगस्त को उसका जन्मदिन है और वे अपनी सहेली के साथ गोवा में पार्टी करेगी। सुखविंदर ने कहा कि वे भी अपने दोस्तों के साथ गोवा जा रहा है, वहाँ पर मेरे दोस्त का होटल है, तुम कमरा बुक मत कराना, मैं देख लूंगा। इसके बाद 22 अगस्त को सुखविंदर के पास उसकी दोस्त का फोन आया तो उसने कहा कि वे अभी गोवा पहुंचा नहीं है। जब उसकी महिला मित्र रिजॉर्ट पहुंची तो हैरान थी कि सुधीर, सोनाली और सुखविंदर वहां मौजूद थे। सुधीर सांगवान ने सोनाली का परिचय करवाया था कि वे टिकटॉक स्टार हैं। इसके बाद पांचों 3 स्कूटी पर सवार होकर क्लियर्स होटल गए। वहां पर पांचों ने वाइन, बियर और जूस का ऑर्डर किया। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक डांस फ्लोर पर सोनाली को नशा दिया गया था। इसके बाद उसकी तबियत खराब होने लगी थी तो वे बैठ गई थी। ज्यादा तबियत खराब होने पर सोनाली रोने लगती, फिर उसे बाथरूम में ले जाया गया। वहां पर सुधीर को आभास हो जाता है कि उसकी ज्यादा तबियत खराब है। इसके बाद पांचों उसे टैक्सी में लेकर रिजॉर्ट आते हैं। वहां पर कमरे में उसे ले जाया जाता है। वहां पर सोनाली की सांसें बंद हो जाती हैं। इसके बावजूद उसे सुबह अस्पताल ले जाया जाता है, जहां चिकित्सक सोनाली को मृत घोषित कर देते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।